हे प्रोग्रामर्स, वेलकम टू यंग प्रोग्रामर डॉट इन। आई एम मुकेश। इस चैनल को कंप्यूटर साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एथिकल हैकर, न्यू ऑनलाइन स्टार्टअप्स, ऑनलाइन इनकम, स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, मेक मनी ऑनलाइन जैसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए बनाया गया है। आप इस चैनल से सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि आपको मौका मिलेगा यहाँ से ऑनलाइन कमाने का। आपके बनाए गए प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ को यहाँ हम लोगों के सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके उस आइडिया को मिलियन डॉलर्स में हम कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस, हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारा एक वेबसाइट भी है जिसका डोमेन नेम है youngprogrammer.in। इन पर आपको बेसिक ऑफ द कंप्यूटर से लेकर के एडवांस ऑफ द कंप्यूटर तक सीखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा, PHP, पाइथन, .NET, सभी चीज़ें। और इसके अलावा कुछ कोर्सेज भी, जैसे कि वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग जैसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो गाइज, अब आते हैं मेन बात पर। ये बहुत सारे कोर्सेज और कंप्यूटर लैंग्वेजेस सिखाने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको यंग प्रोग्रामर के साथ ही सीखना क्यों ज़रूरी है? पहला पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक विद लॉजिक। हम यहाँ जिस टॉपिक को भी स्टडी करेंगे उस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको एंड तक लेके जाएंगे, उसके लॉजिक को पकड़ेंगे। मीन्स हम ये जानेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोगों ने मैथमेटिक्स को पढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या बेनिफिशियल है, वो कहाँ पर यूज़ होगा हमको नहीं पता। ज़्यादा पूछने पर हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि वो आपकी माइंड की ग्रोथ के लिए होता है, बट बेसिकली वो एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है, वी डोंट नो। एग्जाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने के लिए और वहाँ का वेटर आपके लिए बिल लेकर के आता है, तो आप वहाँ पेन और पेंसिल लेकर के, ऐसा तो नहीं है ना कि आप सैनिटाइजर कोस्टर लगा कर ये जानेंगे कि आपको कितना बिल पे करना है। यू सिंपली एट एंड पे। तो यही बात है, हम यहाँ हर टॉपिक को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और उसको एडवांस तक लेके जाएंगे और जानेंगे उसका लॉजिक कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। और सेकंड पॉइंट है, लर्न विद एक्सपर्ट्स। मींस हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल सारा डेटा मिलियनर बिलियनर कंपनीज और IITs और NIITs, इन सब की हेल्प से बनाया गया है। तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट के साथ सीखने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली सीख पाएंगे, और प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि प्रैक्टिकल किया हुआ वर्क बहुत लंबे समय तक और बहुत अच्छे से याद हो जाता है। एवरीथिंग इज़ हेयर गाइज। यंग प्रोग्रामर आपको सभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ाएगा और सभी कंप्यूटर कोर्सेज को कराएगा, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, एथिकल हैकिंग और भी बहुत सारे। यंग प्रोग्रामर आपको मौका देगा पार्ट टाइम जॉब करने का, जहां से आप अपने घर बैठकर ही ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अभी भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो स्कूल या कॉलेज में बनने वाले प्रोजेक्ट को भी यंग प्रोग्रामर बनवाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉलेज में हैं और कॉलेज में आपको ज़रूरत है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप आपको यंग प्रोग्रामर देगा और आपको मिलेगी जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ आपके जॉब इंटरव्यूज़ कराए जाएंगे और साथ ही उन इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग भी। तो फिर कहीं और क्यों जाना। फोर्थ पॉइंट, प्रोग्रामर्स, यंग प्रोग्रामर का जो मेन गोल है वो ये है कि वो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो आगे चल के इंडिया का नाम रोशन करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड में यूज़ होने वाले बड़े से बड़े वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सब आउट ऑफ कंट्रीज़ के हैं। इसमें से हमारा इंडिया का कुछ भी नहीं है। इंडिया में सिर्फ कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन कुछ बना नहीं रहे हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि अब हम क्या बनाएं, सब कुछ तो बन चुका है। अगर जो चीज़ें पहले ही बन चुकी हैं और आप उन्हें दोबारा बना भी लेते हैं तो क्या कम से कम वो अपने इंडिया का तो होगा। और ऐसा भी सोचना सही नहीं होगा कि हम इतने बड़े कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट बना लेते हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके कंपटीशन में सीधा फेसबुक खड़ा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए, क्योंकि आपको पता है कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नंबर वन नहीं होता है, और ना ही वर्ल्ड का नंबर वन होने के लिए वर्ल्ड का सबसे पहला होना ज़रूरी होता है। जैसे वर्ल्ड का सबसे पहला सर्च इंजन आरजी क्यूरी फॉर्म था, लेकिन आज दुनिया का नंबर वन सर्च इंजन गूगल है। दुनिया का सबसे पहला सोशल नेटवर्किंग साइट 6degree था, लेकिन आज दुनिया का नंबर वन सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम IBM 60/360 था, लेकिन आज दुनिया का नंबर वन ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली एंड ओनली विंडोज है। दुनिया का सबसे पहला ई कॉमर्स साइट बॉस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज था, लेकिन आज दुनिया का नंबर वन ई कॉमर्स साइट अमेज़न है।
तो इन सबसे पता चलता है गाइज कि कभी भी दुनिया में नंबर वन बनने के लिए हमेशा दुनिया का सबसे पहला होना जरूरी नहीं होता है। तो अब एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए, यंग प्रोग्रामर आपके साथ है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज का लिंक सभी कुछ दे रखा है। आप वहां से हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मैं वहां डेली 2 पोस्ट अपलोड करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। तो अभी जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे बताइए कि हम कंप्यूटर को कहां से स्टार्ट करें। एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग यंग प्रोग्रामर।